हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कॉटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था पैन के बारे में, जो कि जावा के स्विच का ही एडवांस वर्जन है। कॉटलिन में स्विच यूज नहीं होता है, वैन यूज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लूप्स के बारे में और देखते हैं कि कौन कौन से लूप्स कॉटलिन में सपोर्टेड करते हैं और कौन कौन से नए लूप्स या फिर कोई नया पैटर्न आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ जो कि पिछली वीडियो से था। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कितने तरीके के हमारे पास लूप्स होते हैं। अगर आपने जावा में वर्क किया है तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास होते हैं वाइल लूप, टू वाइल लूप और फॉर लूप। और हमारे पास एक लेटेस्ट लूप और आया था, फॉर ईच लूप, जिसको एनहांस फॉर लूप भी कहते हैं। तो दोस्तों, वाइल लूप में हमारे पास कोई रेंज नहीं होती। हमारे पास मान लीजिए हमें किसी फाइल के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है, तो हम जब तक कि उस फाइल का आखिरी कैरेक्टर हमारे पास नहीं मिल जाता, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो हम तब तक उसको प्रिंट करते रहते हैं। डू वाइल लूप में भी सेम काम होता है, पर अगर हमारे ये एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कि कंडीशन हमारी ट्रू हो या फॉल्स, एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। डू और डू वाइल में सिर्फ इतना सा फर्क है। और हमारे पास एक फॉर लूप होता है, जिसमें हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होती है, उसके बाद हमारी फाइनल वैल्यू होती है कि हमें लूप को कब तक चलाना है और या फिर किस कंडीशन तक चलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू को अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे बॉडी हमारी एग्जीक्यूट होती रहती है, जब तक ये कंडीशन मैट नहीं हो जाती। तो उसके बाद हमारे पास एक होता है फॉर ईच लूप। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी एरे या फिर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद कोलन लिखते हैं। उसके बाद उस एरे या लिस्ट को लिखते हैं जिसमें से सारी वैल्यूज को हम प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर एक्सेस करना चाहते हैं। उसके बाद सारी वैल्यूज एक एक करके इस ए वेरिएबल में आ जाती है और यहाँ पर हम उस वैल्यू को, ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर कुछ एग्जीक्यूट कराना, कुछ भी वैल्यू को, कुछ भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कोटलिन में वाइल और डू वाइल लूप तो एज इट इज जावा की तरह काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सेम काम करते हैं नहीं। उसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजी आईडी में और यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, वेर num1 और इसको वैल्यू देता हूँ मैं 0। इसको बनाता हूँ इंट टाइप का और यहाँ पर हम लिख देते हैं वाइल, वाइल लूप बनाते हैं। वाइल लूप में मैं प्रिंट कर देता हूँ वाइल num1 इज लेस देन 10। हम यहाँ पर 10 तक वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ln। यहाँ पर हम num1 को प्रिंट करा देते हैं और इसको हमें यहाँ पर num1 को इंक्रीमेंट भी करना होगा हर बार। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें 0 से लेके 9 तक हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ पर लेस देन 10 लिखा है, तो इस वजह से 0 से लेके 9 तक, यानी कि हमें 10 नंबर प्रिंट होके मिल गए। अब चलते हैं डू वाइल लूप के लिए कि डू वाइल लूप का कैसे काम करता है। इसके लिए हमें यहाँ पर सेफ लगाना होगा डू, कि हमारा ये काम हो जब भी हमारी कंडीशन ये मैट हो, वाइल कि जब तक हमारा नम वन की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 10 से। तो चलिए डू वाइल को भी चेक कर लेते हैं क्या ये काम करता है। हमारे हमें 0 से लेकर 9 तक इसमें भी वैल्यू मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल 0 से लेके 9 तक हमें वैल्यू मिल रही है। अगर हम यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पर इक्वल टू 10 कर दें, तो हमारी 1 से लेके 10 तक वैल्यू, असाइनमेंट आर नॉट एक्सप्रेशन एंड ओनली एक्सप्रेशन आर अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके। लेस देन इक्वल हमें यूज करना होगा। यहाँ पर रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें 1, 2, 3 से लेके 10 तक वैल्यू मिल गया। तो हमें, हमने देखा कि वाइल और डू वाइल तो जावा की तरीके से काम करते हैं। चलते हैं अपने फॉर लूप की तरफ। दोस्तों, मैं बता दूं कि कोटलिन में ये वाला फॉर लूप तो काम करेगा नहीं। कोटलिन में एक नया लूप आया है जो कि सिमिलर है फॉर ईच के, पर फॉर ईच भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि फोर और फोर ईच को आप कोटलिन के लिए भूल जाइए और इसमें जो नया फोर लूप आया है उसको यूज कीजिए, वो बहुत ही ऑसम है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा रेंज के बारे में। रेंज क्या होती है? सपोज हमें 1 से लेके और हमें चाहिए 10 तक,
तो ये आपकी एक रेंज हो गई, और रेंज को बनाने के लिए हमें इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल रेंज बता दो कि रेंज एक क्लास है कोटलिन में, और रेंज के वेरिएबल को हमें बनाने के लिए वेर लिखना होगा, वेर और रेंज इक्वल टू हम कुछ भी जो भी जितने भी रेंज बनाना चाहते हैं, सपोज हम 1 से लेके 10 तक बनाते हैं तो 1 डॉट डॉट 10 लिखते हैं इसमें, सॉरी 10 लिखते हैं इसमें। आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, रीडेबल होता है, अगर आप स्पेस देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ये हमारी एक रेंज बन जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर फोर लूप में यहाँ पर हम लिखते हैं आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू 5 या 10 तक लिखते हैं, तो ये सिमिलर है इसमें। तो यहाँ पर हमें एक रेंज मिल गई, उसके बाद हमें फोर लूप को यूज करना होगा। चलो हम इसको एक एक्चुअल रेंज बना देते हैं, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें एक रेंज मिल गई है 1 से लेके 10 तक की। अब हमें फोर लूप को बनाना है, फोर लूप यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेना है ए, जिसमें हम इस रेंज की सारी वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद हमें लिखना है इन कीवर्ड, और यहाँ पर लिख देंगे हम रेंज, जो कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है रेंज टाइप का, और उसके बाद हम जो भी काम करना चाहते हैं उस फोर लूप के अंदर हम लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सारी वैल्यूज को, प्रिंट ln, यहाँ पे मैं रेंज की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमें 1 से लेके 10 तक वैल्यूज मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमें ये रेंज में क्या मिल रहा है, वो हमने रेंज वेरिएबल को ही यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि जो जिसकी वैल्यू है 1 टू लेके 10, ये यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रिंग आई थिंक ट्रीट कर रहा है, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना चाहिए था ए, तो इस गलती को सुधारते हुए चलिए ए को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 1 से लेके 10 तक। दोस्तों आपने देखा कि कैसे इसको रेंज को यूज करना है, यहाँ पर रेंज रेंज हमने यहाँ पे लिखी है, रेंज की वैल्यू ए में आई और कितनी रेंज है उसकी वो एक एक करके यहाँ पे प्रिंट होती चली गई। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा रेंज कैसे काम करती है। चलिए अब हम इसमें स्टेप के लिए बात करते हैं कि स्टेप क्या होता है। स्टेप भी एक नया कंसेप्ट आया है कि हम चलो मैं इसको पहले कर देता हूँ 18, और यहाँ पर मैं अगर चाहता हूँ कि हमारा प्रिंट हो 1 फिर 3 फिर 5, तो इस तरीके से अगर हमें 2 के स्टेप में अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो हमें यहाँ पर लिखना होगा स्टेप 2। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 1 तो है ही, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये हर बार 2 स्टेप जंप करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि 1 3 5 ये 2 के स्टेप में अभी हमें वैल्यूज दे रहा है, जो रेंज हमें दे रहा है वो 2 के रेंज में दे रहा है, 1 3 5 7 9 11 34 13 15 17। तो अब चलिए इसको हटा के हम दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। अब एक और कंसेप्ट है कि हमें यहाँ पर 1 से लेके 18 तक हमने किया है, हमें सिर्फ 17 तक किए, तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करेंगे अनटिल, कि हमें 1 से लेके 17 तक चाहिए, अनटिल 18 तक चाहिए, यानी कि हमें 17 तक वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हमें यहाँ पर 17 तक वैल्यू मिली है और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है अनटिल। अगर हमें चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें रिवर्स वैल्यू चाहिए, सपोज मैं करता हूँ कि 18 डॉट डॉट यानी कि रेंज टू 1, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ तो आप सोच रहे हो कि ये 18 से लेके डाउन टू 1 चला जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं आपकी कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ कोटलिन में है नहीं, इसके लिए एक कीवर्ड है डाउन टू। तो अगर हमें रिवर्स में कोई चीज चाहिए कि बड़े नंबर से छोटे नंबर तक, तो हम डाउन टू कीवर्ड का यूज करते हैं, और इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें वैल्यू मिली है 18 से लेके डाउन टू 1, तो जो हमारी रेंज है वो इस वक्त क्या है, 18 से लेके डाउन टू 1 हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको अब एक और मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आपने यहाँ पर डाउन टू मेथड की
तरीके से यूज किया कि आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर तक चलाया। अगर आप 1 से लेके 10 तक करते हैं, सपोज मैं यहाँ से 1 से लेके या फिर 18 तक ही रख लेते हैं, 1 से लेके हमारी जो रेंज है 18 तक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो 1 से लेके 18 तक हमारी रेंज आएगी और ये प्रिंट होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है, रेंज डॉट रिवर्स। जो भी हमारी रेंज है उसको हम रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या है, रिवर्स होता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये काम करता है। 18 से लेके हमें 1 तक रेंज मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो रिवर्स, ये जो हमारी रेंज क्लास है, इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम रेंज क्लास पे दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये जो हमने मेथड यूज किया था 18 से लेके 18.1 से लेके, यहाँ पे हमने मेथड यूज किया था down to 1 तक। तो डाउन टू जो ये मेथड है, ये किस ये मेथड है, आपको कुछ लग रहा हो कि ये कीवर्ड है, नहीं, ये मेथड है जो कि कोटलिन के क्लास के अंदर है। हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कोटलिन के नया तरीका है मेथड्स को यूज करने का। अगर हम इस पर क्लिक करके देखें, कंट्रोल प्लस क्लिक करके देखें, तो ये हमें लेके चलेगा कोटलिन की रेंज डॉट केटी क्लास में। और यहाँ पर ये इंट टाइप का, इंट क्लास के अंदर डाउन टू मेथड है, जिसमें ये एक इंट वेरिएबल लेता है, इंट पैरामीटर लेता है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करके हमें जो भी रिटर्न करता है। तो हम इसको जावा की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें 18.down2 और इस मेथड के अंदर हम पास कर देते हैं 1, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये सेम जावा की तरीके से भी काम करता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये 18 से लेके down to 1। क्योंकि हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, रिवर्स को हटा देते हैं, इस वजह से ये ऐसे आया। हमने पहले यहाँ पर डाउन टू भी कर दिया और उसको बाद में रिवर्स कर दिया, इस वजह से वो वापस से सेम हो गया। इसको रन करके देखते हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे 18 से लेके 1 तक चला है ये। तो कोटलिन ने क्या किया कि मेथड्स में से ये कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, कि हमें डॉट वगैरह, अगर आप जावा हैं तो आपको ये पसंद आएगा कि डॉट वाला मेथड पसंद आएगा, पर क्योंकि कोटलिन में ये नया तरीका आया है, तो ये भी काफी सिंपल और क्लीन कोड है, आप इसको यूज करना चाहिए। कोटलिन में कर तो दोनों सकते हैं, पर आपको ये मेथड यूज करना चाहिए, अदरवाइज तो कोटलिन सीखने का फायदा ही क्या हुआ। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर रहे थे कि इसमें और भी मेथड्स होते हैं। चलिए फटाफट से एक मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें एक मेथड होता है काउंट नाम का, रेंज क्लास के अंदर एक मेथड होता है काउंट। तो देयर इज काउंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पे मैं रेंज रेंज वेरिएबल को लेता हूँ और डॉट लिखता हूँ। तो इसके बाद हमें इसके अंदर के सारे मेथड्स जो जो इसके इस क्लास के अंदर हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर एक मेथड होता है काउंट, काउंट नाम का, जो हमें ये बताता है कि इस रेंज के अंदर कितने कितने नंबर्स हैं या फिर कितने काउंट हैं। उसको हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए देर इज 18 काउंट की, इस रेंज के अंदर 18 काउंट्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।